शेखर अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट एजेंसी उर्मिला के माध्यम से राज्य सरकार के उपक्रम बेल्ट्रॉन के अधीन अनुबंध पर लगभग 20 वर्षों से नियुक्त व डाटा कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के विभागीय समायोजन तथा सेवावर्त नियमावली के निरूपण हेतु परसाई पदवर्ग समिति की दिनांक 26/8/20 को संपन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग से परामर्श उपरांत सूचना प्रौद्योगिकी में समवर्ग नियमावली का गठन किया जाएगा, जिससे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी मैनेजर आच्छादित होंगे। इस संदर्भ में राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अपने ज्ञापन 3A/8 बैठक 2/2018-45/24 पटना दिनांक 4/9/2020 द्वारा तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग पटना के अपने ज्ञापन 1 सूचना प्रावैधिकी 10/20/181 पटना दिनांक 29/1/21 से आदेश विभिन्न विभागों को निर्गत भी किया गया है, लेकिन कई वर्ष बीतने के बावजूद अभी तक इन कर्मियों के हित में सूचना प्रावैधिकी समग्र नियमावली का गठन नहीं हो सका है। अतः राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्राम आईटी मैनेजर के हित में सूचना प्रौद्योगिकी समग्र नियमावली के गठन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त विभाग के पत्र संख्या 4524 दिनांक 4/9/20 द्वारा दिनांक 26/8/20 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में अन्यान्य विषय पर समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। दिनांक 26/8/20 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति के बैठक के कार्यवाही के कंडिका 20 में यह निर्णय संसूचित है कि सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्श उपरांत सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग नियमावली का गठन किया जाए। इससे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी मैनेजर आच्छादित होंगे। प्रत्येक विभाग में यूडीसी स्तर का एक एक पद प्रोटोकॉल सहायक के रूप में चिन्हित किया जाए एवं उक्त पद का दायित्व निर्धारित किया जाए। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय आदेश संख्या 181/29/21 द्वारा सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, समिति की पहली बैठक सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 22/6/21 को संपन्न हुई। बैठक के क्रम में वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्ट कर दी गई कि नियमावली का निरूपण राज्य सरकार में सृजित पदों के लिए ही किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 1658 दिनांक 5/2/21 द्वारा उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय संसूचित है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंटर कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर यथा स्टोनोग्राफर, आईटी बॉय ऑब्लिक गर्ल सरकार के कर्मी नहीं है और बाह्य सेवा प्रदाता से कुछ शर्तों पर इनकी सेवा ली गई है। उन शर्तों के अतिरिक्त इनको कोई लाभ देय नहीं है और न ही इन कर्मियों का नियमितीकरण संभव है। अध्यक्ष महोदय, उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में प्राइवेट एजेंसी उर्मिला के माध्यम से सरकार के उपक्रम बेल्ट्रॉन के अधीन अनुबंध पर लगभग 20 वर्षों से नियुक्त व कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यह सेवा शर्त नियमावली का निरूपण नहीं किया जाना है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 22/6/21 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सभी विभागों से डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी मैनेजर के संदर्भ में सृजित पदों की संख्या एवं इसके विरुद्ध
कार्यरत बल तथा इनके वेतनमान से संबंधित डाटा सूचना एकत्रित की गई है। कतिपय विभाग से सूचना अभी अप्राप्त है जिससे पत्राचार किया जा रहा है। नियमावली के संदर्भ में समिति की अगली बैठक शीघ्र आयोजित की जाएगी और शीघ्र ही नियमावली सेवा शर्त के निर्माण की कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। ठीक महोदय। ठीक हम माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए बैठ जाइए। अब माननीय सदस्य कुमार शैलेंद्र अपनी सूचना को पढ़ें।